फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर घूमने वाले ऑब्जेक्ट की एनर्जी के बारे में, यानी कि अर्थ के आसपास पे किसी भी ऑर्बिट पे अगर कोई चीज कोई वस्तु घूम रही है, जैसे कि हमारी सैटेलाइट्स हो गई, मून हो गया, या फिर सन के आसपास ही हमारी अर्थ घूम रही है, प्लैनेट्स घूम रही है, उसकी एनर्जी क्या होती है। तो बेसिकली आज एक सैटेलाइट को हम लोग बेस बना करके चलेंगे और एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी यह अर्थ बनी हुई है और इस अर्थ के आसपास एक सैटेलाइट है जो कि कुछ दूरी पर घूम रही है और हमने अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी r प्लस एच कर रखी है। ठीक है, r प्लस एच को आप चाहे तो स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे क्या आसानी होगी, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा ये। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि हमारी ये जो सैटेलाइट घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये गति कर रही है, और गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ये किसी हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल एनर्जी के अंदर, तो इसके अंदर कुछ ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होगी, तो यहाँ पे प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी कि पीई या फिर यूजी आप लिख सकते हैं इसको। तो और हम लोगों को मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो होती है 1/2 mv², और हमने पहले निकाली हुई है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के बाहर है, इसलिए इसकी माइनस में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच। ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस में होती है। ठीक है, ये हमारे सामने एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब यहाँ पे एक चीज है जो ध्यान देने वाली है, देखिए यहाँ पर एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी माइनस हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास सामने एक क्वेश्चन उठ करके आता है कि इस सैटेलाइट की एनर्जी या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी या फिर नेगेटिव होगी। ये तीन कंडीशन है, इनमें से कौन सी कंडीशन में इसकी एनर्जी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये जो सवाल है इसी से ही इस कंसेप्ट को हम लोग आगे समझ सकते हैं। तो हमें प्राप्त करनी पड़ेगी और प्राप्त करने के लिए, गेट करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर दे रखा है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच दे रखा है। तो इसी तरीके से इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों को जी एम मतलब इन सारे टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस वेलोसिटी को चेंज करके, और इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के आसपास घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रिपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, मतलब खींच रहा होगा सैटेलाइट को अपनी तरफ, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू क्या निकलती है, एम वी स्क्वायर अपॉन में उसका रेडियस, और रेडियस है आर प्लस एच, तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच। और इन दोनों को जब हम लोग इक्वल कर देंगे, तो जब आप r प्लस एच से r प्लस एच का स्क्वायर काट देंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू में कैपिटल g कैपिटल m अपॉन में r प्लस एच निकल के आएगा। अब ये जो v स्क्वायर यानी कि इस वेलोसिटी की, जिस वेलोसिटी से हमारी ये जो सैटेलाइट है अर्थ के आसपास चक्कर काट रही है, इस वेलोसिटी को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो 1/2 स्मॉल m कैपिटल g कैपिटल m अपॉन में r प्लस एच माइनस कैपिटल g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन में r प्लस एच, ये होगी टोटल एनर्जी की वैल्यू। अब इसमें से ये जो चीजें हैं वो कॉमन आ रही है, यानी कि कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस एच कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, अंदर रह गया 1/2 माइनस का 1, तो ई इज इक्वल्स टू में माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 आर प्लस एच। अब थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये जो वैल्यू मेरे पास एनर्जी की निकल के आई है ये वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, और यहां पहले मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया था ये उसकी दुगनी है, अगर आप ढंग से देख सके तो ये इसकी दुगनी है। इस एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है, ठीक है, ये एक हमारे सामने निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या साबित हुआ कि जो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। अब इस एनर्जी के नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने इस एक्सप्रेशन से निकाला कि मेरी जो एनर्जी टोटल एनर्जी निकल के आई है वो नेगेटिव निकल के आई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये जो सैटेलाइट है बेसिकली अपने ऑर्बिट में बाउंड है, बंधी हुई है, कसी हुई है, ये कहीं दूर नहीं भाग सकती, कहीं दूर निकल के जा नहीं सकती। यही चीज हमें यहां पर याद रखनी है, समझनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास एक ऑर्बिट में घूमता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं घूम रहा है, वो बाउंडेड है, जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो सन के आसपास बाउंडेड है। इसी चीज को हमें
याद रखना है, समझना है। इसीलिए इस एनर्जी को हम लोग ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी से आपके दिमाग में एक और चीज अगर आई हो कि हमारे जो एटम्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाइंडिंग एनर्जी से ही बंधे हुए होते हैं, यानी कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास एक एटम बना होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हुए हैं। और हमारा सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट है वो भी बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हुए हैं, यानी कि ये एक छोटा सा सोलर सिस्टम और फिर एक बड़ा सोलर सिस्टम, समझ सकते हैं। ये छोटा सा सोलर सिस्टम, रदरफोर्ड ने कहा था कि एक एटम के अंदर अपना एक छोटा सा सब एटॉमिक वर्ल्ड होता है जिसके अंदर एक सोलर सिस्टम होता है जिसमें एक न्यूक्लिया के आसपास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते रहते हैं, वैसे ही हमारे सन के आसपास हमारे प्लैनेट चक्कर काटते रहते हैं। तो जो चीज छोटे लेवल पे हो रही है वही चीज बड़े लेवल पे हो रही है। हाँ, कैलकुलेशन करने के तरीके बदल जाते हैं, बड़े लेवल को आप क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, छोटे लेवल को आप क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, फर्क है, यही फर्क है। तो फ्रेंड्स, ये है किसी भी ऑर्बिट की ऑर्बिटल एनर्जी। इस एनर्जी को आपको याद रखना है, बार बार इसके एक्सप्रेशन को निकालना है क्योंकि इसके बनते हैं क्वेश्चंस। तो यहां पर मैंने आपको ऑर्बिटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो निकाल के दिखाया है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके लिए ऑर्बिटल एनर्जी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल ढूंढ के लाया जाए आप ही की बुक में से, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बनते हैं और काफी कंसेप्चुअल भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी ऑर्बिट की एनर्जी। मुझे उम्मीद है आपको ये ऑर्बिटल एनर्जी का जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है या फिर कोई क्वेरी रह जाती है आपको, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।